अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से, जहां बीजेपी ने 30 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मुरादाबाद बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से सत्यपाल सैनी को टिकट मिला है। इसके साथ ही रामपुर बरेली निर्वाचन क्षेत्र से कुंवर महाराज सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ से बीजेपी ने 30 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। मुरादाबाद बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से सत्यपाल सैनी को टिकट मिला है। हरदोई से अशोक अग्रवाल, कीरी से अनुप, स्थानीय प्राधिकरण से बागेश पाठक प्रत्याशी होंगे। चलिए और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता आलोक राय का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? 30 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की है, किन किन को मौका मिला है? जी बिल्कुल, देखिए इस बीजेपी में तमाम जो प्रत्याशी बनने के दौड़ में थे, उनको इंतज़ार था कि कब जो है बीजेपी ये लिस्ट जारी करेगी। क्योंकि अगर बात करें एमएलसी चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी है अपने करीब 18 से ज़्यादा कैंडिडेट्स की, और बीजेपी में ये लिस्ट अभी तक नहीं आई थी, लेकिन फाइनली आज लिस्ट आ गई है। तो जाहिर सी बात है 36 सीटों पर चुनाव होना है जो एमएलसी लोकल बॉडीज़ के, लेकिन अभी 30 नामों की घोषणा पार्टी की तरफ से हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 6 और बाकी हैं, जिसमें बनारस और जौनपुर बस्ती सहित तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनकी लिस्ट आना बाकी है। तो जाहिर सी बात है ऐसे जगह पे जो प्रत्याशी बनने का इंतजार कर रहे हैं या जो दौड़ लगा रहे हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन बाहर से जो दल बदल करके कई नेता बीजेपी में आए थे कुछ समय पहले, उनमें से 7-8 के करीब ऐसे बड़े नाम थे, जिसमें से रविशंकर सिंह पप्पू जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं, साथ ही साथ एक पूर्व बसपा के नेता रामचंद्र सिंह प्रधान जो पहले एमएलसी भी रह चुके हैं, उनको भी बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर एक लिस्ट फाइनली आज आ गई है, और तमाम इसमें वो चेहरे हैं जो पहले भी एमएलसी रह चुके हैं, कुछ महिलाओं को भी मौका मिला है। तो कुल मिलाकर अभी एक और लिस्ट जाहिर सी बात आएगी और उस पर भी चिंतन मंथन चल रहा होगा। हो सकता है देर सवेर वो भी लिस्ट आ जाए, क्योंकि 21 मार्च को नॉमिनेशन होना है, 9 अप्रैल को जो है मतदान होगा और 12 अप्रैल को जो है इसका रिजल्ट आएगा। और कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव होते हैं ये सत्ताधारी दल के ही चुनाव माने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो जो भी पार्टी सत्ता में रही है उसी ने ये चुनाव जीता है। तो इस बार ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ही ये चुनाव ज्यादातर सीटों पर जीतेगी, क्योंकि प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है इसमें देखना कि बिल्कुल आलोक, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अरुण कांत को टिकट नहीं मिला था, उनकी नाराजगी भी इस समय देखने को मिली थी। अब एमएलसी के चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश पार्टी की ओर से की जा रही है? जी बिल्कुल, जो भी नाराजगी थी जाहिर सी बात है बीजेपी के रूप में, एक पार्टी के रूप में, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है या प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं, वो ये चाहेंगे कि पार्टी के अंदर अगर कोई नाराजगी है तो उसको बाहर के फोरम पे वो न जाने पाए, खासकर मीडिया में न जाने पाए। और अगर ऐसी कोई बात बाहर आती है या संगठन में आई है, संज्ञान में आई है, तो पार्टी चाहेगी उस नाराजगी को दूर करें। चूँकि एमएलसी के चुनाव होने हैं, लिस्ट आ गई है, तो ऐसे में उन लोगों को भी समायोजित किया जाएगा जिनको विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाया या पार्टी नहीं दे पाई, क्योंकि तमाम ऐसे समीकरण होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पार्टी टिकट देती है, कैंडिडेट तय करती है। तो तमाम ऐसे समीकरण देखे जाते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो, जातीय हो या अन्य समीकरण होते हैं, तो उन पर विचार करती है पार्टी, संगठन विचार करता है। इसलिए टिकट जिनको नहीं मिल पाया और पार्टी को लगता है कि उनको सदन में होना चाहिए, नहीं विधायक बन पाए तो एमएलसी बनाया जाए, तो ऐसे लोगों को भी पार्टी समायोजित करने काम करती है, और इसीलिए इनको टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर बैलेंस बनाकर चलने वाली बात इसे कहा जाएगा आलोक। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है और अब बीजेपी ने भी 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। धन्यवाद आपका आलोक, जानकारी साझा करने के लिए।